दोस्तों, हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में चार युगों के बारे में बताया गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी जो युग चल रहा है वो कलयुग है। इससे पहले तीन युग बीत चुके हैं, सतयुग, त्रेता और द्वापर। हर युग का समय निर्धारित होता है। जब वह समय पूर्ण हो जाता है तब युग परिवर्तन होता है। आज के इस वीडियो में हम कलयुग के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि कलयुग का समय पूर्ण होने पर इसका अंत किस प्रकार होगा, क्या उस समय भी धरती पर प्रेम भाव रहेगा या फिर इंसान एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को हम स्टार्ट करें उससे पहले, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में कलयुग की आयु 4,32,000 साल बताई गई है और पुराणों के मुताबिक हर युग की आयु पाप की मात्रा के आधार पर घटती चली जाती है। सबसे प्रथम युग सतयुग है जिसकी आयु 17,28,000 वर्ष थी। उसके बाद त्रेता युग आता है जिसकी आयु घटकर 12,96,000 वर्ष हो गई थी। त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया जिसकी आयु 8,64,000 वर्ष थी और अब चल रहा है कलयुग जिसकी आयु सिर्फ 4,32,000 साल मानी गई है। इस समय कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है जिसके 5,000 साल 2016 में पूरे हो गए, यानी अभी कलयुग के अंत आने में 4,27,000 साल बचे हुए हैं। जब यह समय काल पूरा हो जाएगा उस समय धरती पर पाप अपने चरमोत्कर्ष पर होगा। तब भगवान विष्णु इस धरा पर कल की अवतार में अवतरित होंगे और पापियों का संहार कर वैकुंठ लौट जाएंगे। इसके बाद इस धरती पर भयंकर प्रलय आएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा और एक बार फिर से नए युग की शुरुआत होगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, कलयुग का अंत आने में अभी बहुत समय बाकी है। कलयुग का अंत एवं अंतिम चरण कैसा होगा, इसका उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है। अधर्म अपने चरमोत्कर्ष पर होगा। पुराणों में इस बात का साफ उल्लेख है कि कलयुग के अंत में पाप की मात्रा बढ़कर 75% और पुण्य की मात्रा घटकर 25% रह जाएगी और धर्म के चारों स्तंभ तप, सत्य, शुद्धि और दया में सिर्फ दया ही इस युग में रहती है, लेकिन वह भी कलयुग के अंत तक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। हर जगह चोरी, डकैती, लूटपाट और हत्या जैसे अधर्म होंगे। समाज हिंसक हो जाएगा। मनुष्य में क्रोध, काम, लोभ, द्वेष जैसी भावना देखने को मिलेगी। लोग सामने वाले का हित देखना पसंद नहीं करेंगे। इस युग में सिर्फ अधर्म का बोलबाला होगा। लोग अल्प बुद्धि होंगे। उन्हें दूसरों के अहित में अपना हित नजर आएगा। लोग एक दूसरे की संकट में सहायता नहीं करेंगे और अपने स्वार्थ के लिए अपने सगे का भी अहित करने को तैयार रहेंगे। यहाँ तक इंसान इंसान के ही खून का प्यासा हो जाएगा। शक्ति के आधार पर न्याय होगा। दोस्तों, भागवत पुराण के मुताबिक कलयुग के अंत में ऐसे लोग ही सत्ता पर काबिज होंगे जो झूठे होंगे, फरेबी होंगे, डींगे हाकेंगे। ये लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे और प्रजा इसे ही अपना हित समझेगी। कलयुग के अंत में हिंसक घटनाएं बढ़ जाएंगी। स्त्रियां और बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे। स्त्रियों के साथ कुकर्म होगा और छोटे छोटे बच्चों के साथ भी अनैतिक कार्य करने में लोग पीछे नहीं रहेंगे। कलयुग के अंत में कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। हर तरफ झूठ, फरेब, धोखे का बोलबाला रहेगा। न्याय केवल शक्ति यानी ताकत के आधार पर होगा। जो व्यक्ति रिश्वत देने का सामर्थ्य रखेगा उसे ही उचित न्याय मिलेगा। बड़ों का लिहाज नहीं होगा। कलयुग के अंत में मनुष्य की मनोदशा इतनी खराब होगी कि एक पिता अपने पुत्र को नहीं पहचान पाएगा और न ही पुत्र अपने पिता को पहचान पाएगा। संतान अपने माता पिता पर हाथ उठाएंगे और उनकी बातों को अनसुना कर देंगे। इस युग में सभी अपने कर्तव्यों से पीछा छुड़ाने के लिए भागेंगे। उस समय मनुष्य में धर्म का ज्ञान पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। स्त्रियां अपने पति की इज्जत नहीं करेंगी और पराए मर्दों से संबंध रखेंगी। केवल धनवान व्यक्तियों के पास ही महिलाएं रहेंगी। पुरुष भी अपनी स्त्री का त्याग करके दूसरी की स्त्री को हथियाने के लिए उत्सुक रहेंगे। कलयुग के अंत में मनुष्य का स्वभाव गधों की तरह हो जाएगा।
खुद को आकर्षक दिखाने के लिए व्यक्ति अपने प्राकृतिक खूबसूरत बालों को रंगना शुरू कर देंगे। कलयुग में किसी के बाल लंबे और काले नहीं दिखाई देंगे। जिस दिन एक बेटे ने अपने बाप के ऊपर हाथ उठा दिया, उस दिन आप समझ लेना कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। हर घर में ग्रह कलेश होगा, कोई आपस में मिलकर नहीं रहेगा, कोई एक दूसरे से सच भी नहीं बोलेगा। पत्नी पति से झूठ बोलेगी, पति पत्नी से झूठ बोलेगा, पिता पुत्र से झूठ बोलेगा और पुत्र पिता से। सत्य की आंखों पर पट्टी बन जाएगी, हर जगह झूठ का ही बोलबाला रहेगा। अल्पायु होगी, कलयुग का अंत आते आते मनुष्य पूरी तरह से आलसी हो जाएगा। वह सिर्फ भोग विलास में लिप्त रहेगा, वह अपने कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की कोशिश करेगा। यही वजह है कि कलयुग का अंत आते आते लोग अनगिनत बीमारियों का शिकार होंगे। विष्णु पुराण में कलयुग को लेकर कहा गया है कि कलयुग के अंत में मनुष्य की शक्ति और आयु घट जाएगी। उस समय इंसान की आयु 20 से 30 साल रह जाएगी। ये बात आपको चौंका सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं सच है। सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष से अधिक हुआ करती थी, लेकिन आज कलयुग में मनुष्य की आयु घटकर 70 से 80 साल रह गई है और कलयुग के अंत तक इंसान की आयु और भी ज्यादा घट जाएगी, सिर्फ 20 से 30 साल रह जाएगी। अगर आप अपने आसपास ध्यान देंगे तो इसके लक्षण अभी से नजर आने लगे हैं। जो रोग व्यक्तियों को बुढ़ापे में होते थे, आज कलयुग में छोटे छोटे बच्चों में देखने को मिल रहे हैं। 5 साल की उम्र में बच्चों को चश्मे लग जा रहे हैं, 30 की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, जवानी में बाल पक रहे हैं और बुढ़ापे तक इंसान बिस्तर पकड़ ले रहा है। इस कलयुग में बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर कोई परेशान है। गंगा विलुप्त हो जाएगी। पुराणों में इस बात का जिक्र है कि जब कलयुग के 10,000 वर्ष पूरे हो जाएंगे और धीरे धीरे कलयुग का अंत करीब आने लगेगा, तब इस धरती से साधु संत, धर्म कर्म, पूजा कीर्तन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लोग अधर्म का रास्ता अपना कर नास्तिक बन जाएंगे। कुछ लोग हिंदू धर्म का त्याग करके अपने को अन्य धर्म में अपना लेंगे। मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, लोग अधर्मी हो जाएंगे। उस समय इस धरती से गंगा विलुप्त हो जाएगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कलयुग में पद्मा और सरस्वती नदी का पहले ही लोप हो चुका है। इस समय इस धरती पर सिर्फ गंगा ही बची है, वह भी कलयुग के अंत तक विलुप्त हो जाएंगी, अन्य नहीं उगेगा। कलयुग के अंत में संसार की दशा बद से बदतर हो जाएगी। पृथ्वी पर मौजूद सारी नदियां सूख जाएंगी, पानी की कमी चारों ओर हाहाकार मचा देगी। मौसम में कई तरह के बदलाव होंगे, अनियमित सर्दी, गर्मी, बरसात होंगे। ऋतुओं का परिवर्तन लोगों को परेशान और दुखी करेगा, अन्न नहीं उगेगा। धरती का हर एक इंसान मांसाहारी हो जाएगा, लोग अपना पेट भरने के लिए जानवरों को मार कर खाने लगेंगे और कलयुग के अंत तक जानवर भी पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे, जिसके बाद इंसान अपना पेट भरने के लिए इंसान को ही मार कर खाने लगेगा। उस समय हैवानियत की सारी हदें पार हो जाएंगी और तब इस धरती का पाप से मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु अपने कल्कि अवतार में अवतरित होंगे। पुराणों के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के शंभल नामक स्थान पर विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर पर पुत्र के रूप में होगा। भगवान विष्णु का यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। भगवान विष्णु अपने कल्कि अवतार में देवदत्त नाम के सफेद घोड़े पर सवार होकर पापियों का संहार करेंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। हमारे पौराणिक धार्मिक ग्रंथों में इस बात का जिक्र है कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण अपना शरीर त्याग करके वैकुंठ लौट जाते हैं, तब कलयुग की शुरुआत हुई थी। ऐसे में कलयुग में भी जब भगवान कल्कि पापियों का विनाश करके वैकुंठ लौट जाएंगे, तब एक नए युग की शुरुआत होगी। दोस्तों, ये थे कलयुग के अंत के होने से पहले दिखाई देने वाले लक्षण। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप हमारी ये वीडियो देश के किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी सनातन धर्म की कहानियों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।